हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सबरीना डायरीज। उम्मीद है आप सब ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ मीठा कद्दू, जिसको पेठे भी कहते हैं। तो इसका बहुत ही सिंपल सा एक रेसिपी है मेरे पास, और मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और ये बहुत ही ईजी है बनाने की तरीका, और इसमें मैं एक आप लोगों का ट्रिक भी बताऊँगी। ट्रिक के लिए आप लोगों को मेरी वीडियो पूरा देखनी पड़ेगी, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फर्स्ट मैं आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स हैं यहाँ में। यहाँ पे मैंने मीठा कद्दू को ऐसे काट के रखा है लंबे लंबे स्लाइस में। यहाँ पे प्याज और हरी मिर्च काट के रखा, और मुझे 3 कश्मीरी मिर्च लिया है लाल, और यहाँ पे 2 लहसुन की जावे जो है वो मैंने कूट के रखा है, और यहाँ पे मैंने बहुत ही थोड़ी सी 1/4 टेबल स्पून से भी कम हल्दी पाउडर लिया है। और हमें चाहिए कुकिंग ऑयल इसको पकाने के लिए। तो मेरा जो ट्रिक थी वो ये है, मीठा कद्दू बहुत ही जो है नरम सब्जी है और इस बहुत जल्दी गल जाता है, तो इसको जल्दी ना गले इसके लिए हमें जो है ये ट्रिक अजमाना चाहिए। आप लोग कभी भी मीठा कद्दू को काट के मत धोई, पहले आप इसको साबुत इसको धो ले अच्छी तरीके से, उसके बाद बिल्कुल इसको धोने की जरूरत नहीं है। अगर आपने धोया तो इसमें पानी चले गए, तो और मीठा कद्दू से हमें पानी निकाल के वो बिल्कुल गल जाती है मीठा कद्दू। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल ही ऐसे जैसे लंबे लंबे स्लाइस किया मैंने, इसी तरीके की भुजिया बना के दिखाऊंगी। बिल्कुल ही ऐसे ही रहते हैं ये भुजिया, बिल्कुल टूटते नहीं है और गल भी जाते हैं अच्छी तरीके से, और मैश नहीं करनी इसको। तो आइए व्यूअर्स, हम पहले इसको बनाते हैं, उसकी बनाने की तरीका मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स, मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है। यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल डाला है। अब इसमें हम डालेंगे फर्स्ट जो है ये लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, इसको हम थोड़ी सी ब्राउन करेंगे। व्यूअर्स, मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, और यहाँ पे मैंने लाल मिर्च ऐड कर दिया, इसको फ्राई कर ली थोड़ी सी मैंने, देखे इस तरह की। अब हम इसमें अपनी हरी मिर्च ऐड करेंगे और प्याज ऐड कर देंगे। तो हम अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। लाइट ब्राउन करेंगे, उसके बाद हम वो कुटी हुई लहसुन इसमें ऐड कर देंगे। देखिए मैंने इस तरह की प्याज को फ्राई कर लिया। अब हम इसमें जो कुटी हुई लहसुन थी वो हम ऐड करेंगे, इसको थोड़ी सी हम फ्राई करेंगे लहसुन को। ये रसन जो है थोड़ी सी फ्राई हो गई है। अब हम इसमें थोड़ी हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ी सी हमने रखी थी, तो हम ऐड करी हल्दी पाउडर। देखिए बिल्कुल थोड़ी सी हमने डाला, बहुत ही थोड़ी सी। अब हम इसमें ये जो है ये ऐड करेंगे हमने कद्दू, नमक स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दी। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अब हम इसको फर्स्ट इस टाइम में हमने इसको तकरीबन 4 मिनट या 3 मिनट को कवर करूंगी, उसके बाद में ओपन कर दूंगी। अगर ज़्यादा मैंने ढक लिया तो इसको सारे टूट जाना है। तो देखिए मैंने 5 मिनट इसको कवर करके पका लिया है। अब हम इसको ढक्कन खोल के
तकरीबन 10-15 मिनट तक इसको पकाएंगे। अच्छी तरीके से हिलाएंगे इसको, इसी तरह का ये गल जाएंगे बिल्कुल और टूटेगा भी नहीं, और दिखने में बहुत अच्छा लगता है इस तरह की, और ये बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही अच्छे हैं। और देखा आप लोगों ने कितना कम इंग्रेडिएंट से बन जाते हैं, आप चपाती के साथ या चावल के साथ भी खा सकते हैं आप लोग। तो मैंने इस तरह करके अच्छी तरीके से 10-15 मिनट को फ्राई करेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को डिश आउट कर दूँगी। इसमें और कोई चीज़ हमें ऐड नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, हमने सब कुछ इसमें ऐड कर दिया है। बस इसको 10 मिनट तक पकाना है, अच्छी तरीके से फ्राई करना है। इसमें जो पानी है उसको हम ड्राई करेंगे, उसके बाद में आप लोगों को डिश आउट करके दिखाऊंगी। व्यूअर्स देखें, मैंने जो है मीठा कद्दू की भुजिया बना ली है, और देखें ये कितना यम्मी लग रहा है देख के, और बहुत हेल्दी भी है, और देखें ये गल भी गया है और साबुत भी रही है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक सिंपल और ईजी रेसिपी लेके। अल्लाह हाफ़िज़।